नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं आपको ये चार कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इस डोरमेट को मैंने ये बनाया हुआ है, इसको मैंने 26 फंदे में बनाया है। आप इसको कितना बड़ा और छोटा बना सकते हैं अपने हिसाब से फंदे डाल के। और मैं इस पर ये ग्रीन कलर से, ये हमारे चार कलर हैं, आप चार कलर कोई सा भी लीजिए। अब मैं इसमें ग्रीन कलर से 26 फंदे डाल देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से 1, 2, 3, तो मैं इसमें पूरे फंदे डालती हूँ। अब ये देखिए, इसमें मैंने ग्रीन कलर से 26 फंदे डाले हैं। अब इस डिजाइन को अब हम ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। अब ये दो फंदे हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे हम ग्रीन से बिन लेंगे। तो एक फंदा हमने उतारा और एक बिन लिया, तो दो फंदे हो गए। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना ये पिंक कलर, तो इससे मैं पूरी लाइन इस तरह से उल्टा उल्टा हम बिन लेंगे। देखिए, सारे फंदों को अब हम पिंक वाले से, तो ये हमने दो फंदे ग्रीन से बिने और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बाईस फंदे हमने ये पिंक कलर से बिने हैं। अब ये दो फंदे ग्रीन के हैं, इनको हम छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलट के अब हम आ जाएंगे ये सीधी साइड में। फिर इसको, इन फंदों को अब हम पिंक वाले सारे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा इस तरह से बिन लेंगे। ये देखिए, सभी फंदे अब हमें उल्टा उल्टा इस तरह से बिनना है। तो ये मैं एक लाइन पूरी पिंक वाले से बिन लेती हूँ, सभी फंदे यहाँ तक बिनूंगी। तो मैं पिंक वाले पूरे उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने पिंक वाले सारे फंदे पिंक कलर से उल्टा उल्टा बनाए, धागे को पीछे किया और ऐसे खींच के आगे लाई और इसको टाइट करके। अब ये दो फंदे ग्रीन के हैं, तो इनको हम ग्रीन से बिन लेंगे इस तरह से। अब सलाई पलटे, अब ये फिर से आ गए उल्टी साइड। ये उल्टी साइड है जहाँ से हमने कलर लगाया और ये हमारी सीधी साइड। फिर अब हम पहला फंदा उतारे, हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे ऐसे घुमा के लेंगे, एक फंदा हम ग्रीन का बिन ले, एक फंदा यहाँ से हम ले लेंगे। तो हमारे ये तीन फंदे ग्रीन के हो गए और इस धागे को ऐसे करेंगे। अब पिंक वाले सारे फंदे हम पिंक कलर से उल्टा उल्टा बिन लेंगे, तो इन सभी फंदों को अब हम फिर से बिनेंगे उल्टा उल्टा इस तरह से। तो मैं ये बिन लेती हूँ पिंक के फंदे। अब ये देखिए, हमने पिंक के सारे फंदे बिन लिए उल्टे उल्टे इस तरह से। अब दो फंदे ही फिर से हम छोड़ देंगे, तो उस बार हमने ग्रीन के छोड़े थे, अब पिंक के छोड़ देंगे और यहीं से सलाई पलट के सीधी सलाई पूरी उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए, हमने पिंक वाले सारे फंदे बिन लिए उल्टा उल्टा, धागा पीछे किया और इसको ऐसे करेंगे। अब ये ग्रीन के तीन फंदे, इनको बिन लेंगे उल्टा उल्टा, 1, 2, 3। तो ये हमने ग्रीन के सारे फंदे बिन लिए उल्टा उल्टा ग्रीन से। अब ये हम आ गए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। अब फिर पहला फंदा उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा नहीं किए, तो हमने ये दो सलाइयाँ बना ली हैं, दो उल्टी दो सीधी पिंक से। अब इस धागे को ऐसे करेंगे, 1, 2, दो बिने एक उतारे। अब एक फंदा हम फिर यहाँ से ले लेंगे, तो हमारे ये चार हो गए, अभी तीन थे। इसको अब यहाँ पे मैं अपना ये, अब यहाँ पे मैं तीसरा कलर लगाऊंगी। अब ये देखिए, हमने चार फंदे बिन लिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं अपना तीसरा कलर लगाने पे ये देखिए इस तरह से, 1, इसको टाइट किया। अब मैं सारे फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे
तो सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा, अब पिंक वाले ये इस तरह से हम इस कलर से अपने ये तीसरे कलर से उल्टा उल्टा बिनेंगे। और दो फंदे हम फिर से बिना बिने छोड़ देंगे, उस बार दो फंदे छोड़े, इस बार दो फंदे, तो हमारे छह फंदे छूट गए। यहाँ से हम उल्टा उल्टा ये सारे फंदे, अब इस फंदे को अब हम आ गए सीधी साइड में, सीधी साइड में पिंक वाले पिंक से और ग्रीन वाले ग्रीन से बिन लेंगे उल्टा उल्टा। तो जो जैसा कलर है हमें वैसे बिनना है। अब ये देखिए हमने पूरी पिंक वाले पूरे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए, फिर धागा पीछे। अब ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर से जो फंदे होंगे उनको हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे, एक दो तीन चार। तो ये हमने चार फंदे उल्टा उल्टा बिन लिए। फिर आगे अब फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। अब ग्रीन के हमारे चार फंदे हैं, एक हमने उतारा एक बिन लिया, दो तीन चार। अब एक फंदा हम फिर यहाँ से ले लेंगे तो हमारे हो जाएंगे पाँच, पाँच। इस धागे को ऐसे किया, अब एक बार हमने उल्टा और सीधा ये पिंक से बना लिया। अब दोबारा हम फिर से बना लेंगे, एक दो। अब पिंक से हम उसी तरह से सारे फंदे फिर से उल्टा उल्टा बिनेंगे, तो हम ये दो बार दो लाइनें पिंक की फिर से बनाएंगे। तो हमने एक उल्टा एक सीधी बिन ली, अब फिर से एक उल्टा बिन रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी सलाई है, और दो फंदे हम फिर से यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे। तो ये देखिए दो फंदे हम यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे ये देखिए, और सीधी सलाई जो जैसा कलर है पूरा बिन के कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए हमने सीधी सलाई बना ली, तो अब हमारी दो ये रानी कलर की और ये दो पिंक की हो गई। अब यहाँ पे हमारा एक दो तीन, तीन कलर लग चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे चौथा कलर लगाएंगे। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, दो तीन चार पाँच। तो ये पांच फंदे हमारे ग्रीन के, अब एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये छह, छह फंदे हो गए हमारे ग्रीन के। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये ब्लैक कलर, जो हमारा ये तीसरा कलर है। तो इसको अब हम इस तरह से ब्लैक लगा लेंगे, और इसको हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अब ब्लैक के हमारे कितने फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस हो गए। और यहीं से सलाई पलट लेंगे, तो चार फंदे हमारे ये पिंक के हो गए, चार ये दो ग्रीन के छूट गए हैं। तो अब यहाँ से हम सलाई फिर पलट के सीधी साइड में, तो सीधी साइड में ग्रीन वाले सारे फंदे हम ये ब्लैक वाले ब्लैक से बिनेंगे, धागा पीछे। अब इस धागे को आगे लाएंगे, तो ये देखिए हमारी इस तरह से डिजाइन बन के तैयार हो रही है। अब ये सीधी सलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, और ये देखिए दो तीन चार पाँच छः, अब एक फिर ले लेंगे सात। तो हमने ग्रीन के एक एक करके फंदे बढ़ाए, तो हमारे सात फंदे बढ़ गए। अब इस धागे को खींचेंगे और ब्लैक से एक दो तीन चार पाँच छः सात, और दो फंदे हम बिना बिने यहीं से छोड़ देंगे, और सलाई पलट के आ जाएंगे ये सीधी साइड। तो सीधी साइड में हम पूरा बिन लेते हैं ये ब्लैक वाले ब्लैक से और ग्रीन वाले ग्रीन से, तो पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे चारों कलर लग गए। अब ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, और एक हमने बिन लिया, तो दो हो गए, तीन चार पाँच छः, छः बिना एक फंदा हम ग्रीन वाला छोड़ देंगे, और यहीं से सलाई पलट के सीधी साइड में, सीधी साइड में
सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए, अब इन ब्लैक फंदों को अब हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम ये ग्रीन वाले फंदे इस तरह से किए, फिर पलटे, फिर पहला फंदा उतार लिया, ये जो हर बार हम उतारते हैं, और ग्रीन के एक दो तीन, अब दो फंदे हम बिना बिने फिर से छोड़ देंगे, और सिलाई यहाँ से पलट के सीधी साइड, तो सीधी साइड पूरी ऐसे ही पूरा हम बिन लेंगे। तो हमारे ये चार फंदे बचे, बिन लिए हमने चार, फिर सिलाई पलटे, अब दो फंदे हैं, इन दो फंदों को हम फिर से छोड़ेंगे, धागा आगे करेंगे, एक बिन लेंगे और यहीं से सिलाई पलट के फिर से आ जाएंगे हम सीधी साइड। तो अब हमने ये ग्रीन वाले फंदे दो दो करके पूरे छोड़ दिए हैं। अब आ गए फिर से उल्टी साइड, उल्टी साइड मैंने फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, अब ये देखिए इस तरह से पहला बिन लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात, तो मैंने ये ग्रीन के सात फंदे बिन लिए। अब ये ब्लैक वाले पूरे फंदे हम उल्टा उल्टा, ये देखिए पूरे बिन लेंगे ग्रीन से, ये देखिए यहाँ से मैंने पूरे फंदे ये ब्लैक वाले उल्टा उल्टा ग्रीन से बिन लिए, ये देखिए। अब ये हमारे ये पिंक वाले और ये पिंक वाले, अब ये चार फंदे, ये चार फंदे आठ, तो मैं ये आठ फंदे और ग्रीन से बिन लूंगी इसी तरह से उल्टा उल्टा, ये देखिए। तो ये हमारी इस तरह की जो ये डिजाइन बीच में गई है तो ये बनेगी। तो इन सब इन फंदों को अब हम फिर से, ये देखिए पिंक वाले फंदे अब बिनेंगे, ये रानी कलर वाले, और ये दो फंदे जो हैं ग्रीन के इनको नहीं बिनेंगे, इस फंदे पे ऐसे करके हम लूप लगा देंगे, और यहाँ से सिलाई पलट के सीधी साइड में पूरे फंदे यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये मैं पूरे उल्टा उल्टा बिन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है इस फंदे। अब ये देखिए हमारी हाफ कली बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और एक फंदा बिनेंगे, और यहीं से सिलाई पलट लेंगे, और सीधी सिलाई में ये दो फंदे हम फिर से बिन लेंगे, फिर से आ जाएंगे उल्टी साइड में, उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, उस बार हमने ये दो फंदे बिने थे तो ये दो बिने, और ये दो फंदे हम बिना बिने फिर यहाँ से ले लेंगे, तो तीन, तो हमारे हो गए चार फंदे। फिर इस फंदे पे हम लूप लगाएंगे और सिलाई यहीं से पलटेंगे और इसको इसी पिरो देंगे, तो जो हमने चार फंदे बिने थे वही चार फंदे अब हम फिर से बिनेंगे। ये देखिए, फिर धागा पीछे किया, अब सिलाई पलटे, फिर पहला फंदा उतारे, और इस बार हमने चार फंदे बिने थे तो दो तीन चार, अब दो फंदे हम फिर यहाँ से बिना बिने ले लेंगे, तो पाँच छः, अब हमारे ये सातवें फंदे पे हम ऐसे लूप लगा देंगे और सिलाई यहीं से पलट के, और ये सीधी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा यहाँ तक बिन देंगे। अब ये देखिए हम पूरी सिलाई बिन लिए, अब हमारे ये सात फंदे पे लूप लगा है, तो ये फिर पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये सात फंदे बिनेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात, इस पर ये देखिए, अब हमारा ये आठवां फंदा लेंगे, इस पर लूप लगाएंगे और सीधी सिलाई पूरी हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे बिन लिए, तो हमने दो दो करके जो फंदे छोड़े थे अब दो दो करके पूरे यहाँ तक ले लिए। अब हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इनके हम सात फंदे फिर से बिनेंगे इसी तरह से, तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, तो दो 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 चार दो छः छः और एक सात, तो ये हमने सात फंदे बिन लिए इस तरह से, दो दो चार दो छः आठ, और ये हमने सात फंदे बिन लिए। अब यहाँ से ये देखिए हमारे ग्रीन, ये ब्लैक कलर लगा हुआ था, तो अब हम यहीं से इस धागे को ऐसे करेंगे, इसको खींच लेंगे तो यहाँ जो जगह ढीली हुई थी वो टाइट हो जाएगी, और सात फंदे ब्लैक के थे तो हम सात ही बिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, ये देखिए ये सात फंदे पे हमारा ये किनारी है, तो हम यहीं से बिन के यहीं से पलट लेंगे, ये देखिए, और
ये सीधी सिलाई पूरी इसी तरह से हम पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं पूरी लाइन इसी तरह से बिन लेती हूँ। ये ब्लैक वाले हमने फंदे पूरे ब्लैक से बिने, धागा पीछे, और इसको खींच के आगे लाएंगे। और ये ग्रीन वाले सारे फंदे अब हम उल्टा उल्टा पूरा बिन लेंगे। अब ये हमने सीधी सिलाई बना ली, फिर से उल्टी साइड आए, फिर पहला फंदा उतारा जो हम हर बार उतारेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छह फंदे बिनेंगे। ये एक फंदा ग्रीन का है, इसको अब हम धागे को ऐसे करेंगे, इसको टाइट करेंगे और इसको ब्लैक से बिन लेंगे। तो एक फंदा हमने ब्लैक से बिन लिया, तो हमने सात बिने थे तो आठ फंदे हमारे ब्लैक के हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ हो गए। और दो फंदे हम यहाँ से ले लेंगे बिना बिने, तो नौ, दस। तो ये दस फंदे हमने ब्लैक से बिने, और यहीं से धागा पलट के फिर से ये सीधी साइड, सीधी साइड हम पूरी ऐसे बिन लेते हैं जो जैसा कलर है। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली, फिर आ गए उल्टी साइड में, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे, और ये दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे हमने बिने। ये देखिए अब एक फंदा ये ग्रीन का, तो हमारी ये दो लाइनें ब्लैक की थी, तो अब हमारी दो लाइनें ब्लैक की हो गई। अब मैं पिंक कलर लगाऊंगी, तो यहाँ पे अब मैं ये पिंक कलर से बिन लूँगी। ये देखिए इस तरह से एक धागा ऐसे किया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। ये मैंने पूरे ब्लैक के फंदे बिन लिए। अब दो फंदे हम यहाँ से फिर बिना बिने ले लेंगे, तो बारह और ये तेरह फंदे हो जाएंगे। धागा यहीं से पलटेंगे, तो ये देखिए हमारा ये पिंक कलर है। और सीधी सिलाई पूरी बिन लेते हैं पिंक वाले पिंक से, ग्रीन वाले ग्रीन से। तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी साइड कंप्लीट कर ली। ये देखिए तो अब एक लाइन हमारी पिंक की हो गई, तो हमने यहाँ पे दो दो लाइनों की डिजाइन बनाई थी, अब दो लाइन हम यहाँ पे भी करेंगे उसी तरह से। तो ये पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, दो, तीन, चार। अब एक फंदे को हम फिर पिंक से बिनेंगे, धागे को ऐसे किया, इसको पिंक से बिन देंगे। और पिंक के हमने सारे फंदे बिनने हैं, और दो फंदे हम ये पिंक के सारे फंदे बिन लेते हैं इसी तरह से उल्टा उल्टा। अभी हमने सारे फंदे पिंक के बिन लिए, तो ये हमारे चौदह फंदे पिंक के हो गए। और दो फंदे हम यहाँ से ले लेंगे ग्रीन वाले, तो पंद्रह, सोलह, और यहीं से पलट लेंगे। और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे, पिंक वाले सारे फंदे पिंक से बिन लेंगे इसी तरह से। तो मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारी पिंक की दो लाइनें कंप्लीट हो गई। अब फिर से आ गए, पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे किया, एक, दो, और ये तीन, तीन फंदे भी ने धागा आगे किया, और इसको इस तरह से। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ये रानी कलर, तो इस तरह से इसको यहाँ पे एक, दो। अब ये पूरे फंदे हम पिंक से बिनेंगे और दो फंदे ग्रीन के बिनेंगे, तो दो लाइनें हम कंप्लीट करेंगे। तो इस बार दो लेंगे, अगली बार आएंगे फिर दो ले लेंगे। तो ये हमारे चार फंदे ग्रीन वाले दो लाइन में, दो उल्टी दो सीधी बिनने में ये पिंक हो जाएंगे। इस बार हम दो फंदे ग्रीन के ले लेंगे, अगली फिर सीधी सिलाई बने, फिर उल्टी सिलाई में आके दो लाइन दो बार बनाना है हमको। तो ये चार फंदे ले लेंगे, तो चार फंदे जब ले लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। और ये पूरी लाइन हमें इसी, और इधर हम एक एक फंदा लेते हुए बढ़ेंगे। अब ये देखिए पूरे फंदे बिन लिए और दो फंदे हम फिर से ग्रीन से बना लें, और यहीं से पलटे और सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने पूरी बना ली। अब फिर यहाँ पे हमारे तीन फंदे हैं ग्रीन के, तो अब फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बिनेंगे, तो दो हो गए। अब इस धागे को ऐसे करके अब इस फंदे को हम ये रानी कलर से बिन लेंगे, और अब ये रानी कलर की हमारी तीसरी हो गई, एक उल्टी एक सीधी बना ली। अब यहाँ पे आएंगे, फिर दो फंदे ये ग्रीन के ले लेंगे, उसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करते हैं पूरी लाइन। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे मिले, अब दो फंदे ग्रीन के यहाँ से ले लेंगे। तो अब ये देखिए दो फंदे ग्रीन के बचे हैं,
और यहाँ से सिलाई पलट के सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली, तो अब हमारी डिजाइन देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है। अब ये दो फंदे ग्रीन के बिन लिए। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम फिर इसी पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये दो, अब ये सारे फंदे हम ईरानी वाले और यहाँ लास्ट तक ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिए सभी फंदों को अब हमें उल्टा उल्टा इसी तरह से बिनना है। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ये ग्रीन से बिन लिए पिंक वाले। अब ये दो फंदे ग्रीन के, इनको भी हम इस तरह से बिन लेंगे। अब ये देखिए हमारी एक कली पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाना है। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और सारे फंदों को अब हम उल्टा उल्टा करके ग्रीन वाले यहाँ लास्ट तक बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन यहाँ तक बिन ली। अब ये हमने सीधी सिलाई, तो ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। अब हमें यहाँ से दूसरी कली लगाना है, तो सेम उसी तरह से हम दो फंदे ग्रीन के, अब बाकी फंदे रानी के बिनेंगे और दो फंदे छोड़ेंगे, फिर दो दो लाइनें बनाएंगे। जैसे ये दो लाइनें बनाई, फिर ये दो, फिर पिंक की और फिर दो ब्लैक की, इसी तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से, ये देखिए कितना सुंदर डोरमेट हमारा ये बन के तैयार हुआ है। तो ये हमारा डोरमेट इसी तरह से ये बन के आएगा। ये देखिए कली अगर हम इसको यहाँ रख देंगे तो इस तरह से ये हमारा सुंदर सा डोरमेट बन के तैयार हुआ है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये डोरमेट कैसा लगा। नमस्कार।